आज हम लोग जो हैं अपना सेकंड चैप्टर 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा चैप्टर पढ़ने में, बेहतरीन चैप्टर है। बस एक काम आप करते रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, जितने भी टॉपिक डलें उन सभी टॉपिक को कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सभी लोग निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो आज जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक, वैसे वास्तव में ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ एटम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एटम की डिस्कवरी पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट हम करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे डाल्टन एटॉमिक। डाल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। अब क्या क्या बताया था इनने, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, और मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि एक बॉलीवुड का डायलॉग आपके पास एक हीरो का, कि वो विलन से बोल रहा है कि विलन तो कुछ भी कर ले मेरी हिम्मत को तोड़ नहीं पाओगे, तो ऐसा लिखा हुआ मैंने यहाँ पर कि तुम मुझे तोड़ नहीं पाओगे। तो यही बोल रहा है, देखो इसका मतलब यही है कि एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। एटम नाम भी इसलिए पड़ा इसका क्योंकि एटम का मतलब क्या है, देखो जहां पर लिख रखा है मैंने, एक का मतलब है कैन नॉट और टम का मतलब कट, एक ऐसा पार्टिकल जिसको आप और ज्यादा कट नहीं कर सकते, और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्टिकल। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, पीछे मतलब ऐसे पीछे नहीं, मैं जाता हूं थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में, आपको एक चीज बताता हूं कि ये एटम के बारे में, छोटे से पार्टिकल के बारे में, डाल्टन के पहले भी हमारे इंडिया के एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक नहीं बोलूं मैं इनको, महर्षि बोलूं, महर्षि कणाद, इनने कई सालों पहले एटम के बारे में बता दिया था। इनका नाम महर्षि कणाद भी इसलिए है क्योंकि पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण, कण, इसलिए इनका नाम पड़ा महर्षि कणाद। इन्हें कई सालों पहले बता दिया था इस कण के बारे में, छोटे से पार्टिकल के बारे में पहले ही बता दिया था। अब इनका नाम इसलिए नहीं जोड़ा गया, इनकी नाम के ऊपर थ्योरी इसलिए नहीं है क्योंकि इनने कोई लिखी नहीं थ्योरी। इनने जिस तरीके से डाल्टन ने पॉइंट जो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, आपको नोट्स भी बनाने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बात कर रहे थे अपन महर्षि कणाद की, महर्षि कणाद ने कोई थ्योरी नहीं दी थी, पर इनने पहले ही बता दिया था कण के बारे में। और कुछ ये भी कह सकते हैं अपन कि इनने, इनकी थ्योरी इसलिए नहीं बोली जाती है, इनका नाम इसलिए नहीं जाना जाता है एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, क्योंकि ये बात कर रहे थे भगवान की, ये खोजने निकले थे भगवान को, आखिर भगवान कैसे दिखते हैं, आपको हमको बनाने वाला, आपको हमको चलाने वाला, आपको हमको मिटाने वाला एक दिन, कौन है, भगवान है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उनको हम, गॉड। जी का मतलब है जनरेटर, बनाने वाला, ओ का मतलब है ऑपरेटर, चलाने वाला, और डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर, मिटाने वाला। भगवान के हाथ में ये चीज है, किसी भी चीज को बनाना, हमको आपको बनाना, पृथ्वी को बनाना, जो भी चीजें हैं, ठीक है, बनाने का काम किसके हाथ में है, प्राकृतिक चीजों को बनाने का काम किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में। चलाने का काम, अब दुनिया का काम, दुनिया कौन चला रहा है, ऊपर वाले तो चला रहा है, और कौन चला रहा है भाई साहब, तो चलाने का काम भी किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में। और एक दिन सब कुछ खत्म करने का काम भी किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में ही है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना, भगवान। और महर्षि कणाद ने बोला कि ये जो छोटा सा पार्टिकल है ये वही काम कर रहा है जो भगवान करते हैं, मतलब बनाने का, चलाने का, मिटाने का। कैसे, तो आज के लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि देखो जरा, कि जब एटम और एटम मिलते हैं, एटम और एटम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, कंपाउंड बनता है, बड़ी बड़ी चीजें बनती है, बिल्डिंगें बनती है, टावर बनते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, सब कुछ बनता है। तो बनाने का काम कौन कर रहा है, वो छोटा सा पार्टिकल ही तो कर रहा है। आपके घर की एक ईंट, उस ईंट कैसे बनी होगी, मिट्टी के छोटे 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 पार्टिकल से। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे, जिनको आप आंखों से देख भी नहीं सकते, एटम, एटम से मिलकर बनी है। तो सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है, तो बनाने का काम कौन कर रहा है, वो छोटा सा पार्टिकल ही कर रहा है, जनरेटर, जो भगवान काम कर रहे हैं, ऑपरेटर, चलाने का काम। हमारे अंदर जितनी भी
रिएक्शन चल, केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये दुनिया की हर चीज़ चल रही है, किसके कारण चल रही है? उनने बोला कि इस छोटे से पार्टिकल के कारण, इस छोटे से पार्टिकल के कारण, ठीक है, दुनिया की हर चीज़ किसके कारण चल रही है? छोटे से पार्टिकल के कारण। तो वही काम कर रहे हैं जो भगवान करते हैं, दुनिया की हर चीज़ चलाने का, हमारे काम चलाने का, है ना। तो यही काम भी कौन कर रहा है? वो छोटा सा पार्टिकल कर रहा है। और मिटाने का काम, मिटाने का काम, यही छोटा सा पार्टिकल किसी चीज़ को मिटाने का काम भी कर रहा है। हमारे अंदर, मैंने अभी बोला कि जैसे हमारे अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है, हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, चल रहे हैं। अगर ये रुक गए तो निपट गए, खत्म, खल्लास, टाटा, बाय बाय। तो ये काम भी कौन कर रहा है? ये काम भी छोटा सा पार्टिकल कर रहा है। तो जिस तरीके से जो काम भगवान कर रहे हैं, वही काम अगर ये छोटा सा पार्टिकल कर रहा है, तो महर्षि कणाद ने बोला, ठीक है, आप इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, ये छोटा सा पार्टिकल भी वही काम कर रहा था जो महर्षि कणाद ने बोला कि भगवान करते हैं, तो उनने पांव पड़ ली, यही भगवान है। देखा नहीं उन्होंने भी, पर उन्होंने माना कि अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है तो ये वही है जिसको क्या बोला गया, उनकी लैंग्वेज में कण बोला गया। पर उन्हें कोई थ्योरी नहीं दी थी, थ्योरी देने का काम कर रहा था किनने? डाल्टन ने। तो डाल्टन का पहला पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तोड़ नहीं पाओगे इंडिविजिबल पार्टिकल, इससे छोटा कुछ नहीं, इनने बोला कि इससे छोटा कुछ भी नहीं। सेकंड पॉइंट इनने बोला कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आपका दुनिया के जितने भी मैटर हैं, आपको पता है कि कितने तरीके के मैटर हैं? एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे प्लाज्मा, जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि मैटर कितने तरीके के हैं। पर फिलहाल सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी किससे बने? ये भी छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने। और उन्होंने बोला कि इस मैटर को, ये जो मैटर हैं जिनको हम एटम बोल रहे हैं, इनको आप ना तो बना सकते हो और ना ही मिटा सकते हो। आप क्या कर सकते हो? खाली आप इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये जैसे मैंने रिएक्शन लिखी H प्लस Cl, जिससे क्या बना, ये मान लो, चलो ठीक है, H2 प्लस Cl2, इससे क्या बना? 2HCl। तो आपने क्या करा, यहां पर कुछ एटम यूज करे, मैं फिलहाल के लिए एटम ही ले लेता हूं, चलो हाइड्रोजन का एटम लिया, क्लोरीन का एटम लिया, आप इसको दोनों को मिक्स करके किस फॉर्म में बना रहे हो? HCl के फॉर्म में बना रहे हो, HCl के फॉर्म में बना रहे हो आप इसको, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको, पर आपने एटम नहीं बनाया, आपने हाइड्रोजन एटम नहीं बनाया, आपने Cl एटम नहीं बनाया। प्राकृतिक तौर पर है आपके पास, आपके अर्थ में हाइड्रोजन के भी पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन के भी पार्टिकल है, ऑक्सीजन के पार्टिकल, ढेर पार्टिकल है, तो बनाया नहीं आपने, ठीक है। हालांकि हम सिंथेटिकली अब बना सकते हैं, पर उस टाइम की बात हो रही है जब अपन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। एटम को ना बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। अब तो कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं हम कि हम एटम भी बना सकते हैं, ऐसी ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई। खैर, अगला पॉइंट की बात करें, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब जरा ये पॉइंट समझना, अब मैं पहले एलिमेंट के बारे में बताऊं आप लोगों को, तो जरा इधर देखो सभी लोग, आप ऐसा समझो कि एलिमेंट जो है वो एक बलून है, एक गुब्बारा है, ठीक है। एलिमेंट एक गुब्बारा, और इस गुब्बारे के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ये ढेर सारे क्या मिलेंगे? आपने देखा है कभी मेले वगैरह में आप लोग गए हों तो आपने, या कहीं सड़क पर आपने कभी कोई गुब्बारे बेचने वाले को देखा होगा, तो एक गुब्बारा ऐसा रहता है जिसके अंदर क्या भरे हुए रहते हैं? वो राई के दाने भरे हुए रहते हैं, जिसमें छन 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 की आवाज़ भी आती है, वो वाला गुब्बारा, ठीक है। अब राई के दाने तो आपको पता ही हो गए, छोटे छोटे से वो दाने रहते हैं, किचन में देखना, आपने मम्मी से पूछना, मम्मी राई के दाने क्या होते, बताना जरा, तो वही राई के दाने। तो इनने क्या करा, समझना जरूर थोड़ी सी मेरी बात, एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं क्या ये एटम्स? तो आप ऐसे समझो कि वो जो गुब्बारा है, वो गुब्बारा है आपका एलिमेंट, और उस गुब्बारे के अंदर जितने राई के दाने हैं वो है आपके एटम्स, वो सभी आपके एटम्स हैं। और आइडेंटिकल इसलिए बोल रहे हैं इस पॉइंट में अपन, कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। आइडेंटिकल मतलब मैंने यहाँ पर लिखा भी, वह सेम एटॉमिक, सेम मास एंड साइज,
जितनी साइज इसकी रहेगी उतनी ही साइज इस वाले एटम की रहेगी, उतनी ही साइज इस वाले एटम की रहेगी, उतनी साइज इस वाले एटम की, उतनी साइज हर एटम की साइज सेम, हर एटम का मास सेम, तो एक दूसरे से क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सभी एटम एक दूसरे से आइडेंटिकल है। तो एक लाल वाले गुब्बारे के अंदर जितने राई के दाने मिल रहे हैं वो सब एक जैसे, और वहीं पर उसके पड़ोस में आपके पास एक और गुब्बारा, आपने दो गुब्बारे खरीदे, ये दो गुब्बारे, ये दूसरा एलिमेंट, मैं इसको बोल देता हूँ हाइड्रोजन एलिमेंट, इसको बोल देता हूँ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जितने एटम्स होंगे, जितने राई के दाने होंगे, बड़े वाले राई के दाने, ठीक है, ये महंगा वाला, ये 5 रुपए वाला गुब्बारा, ये 10 रुपए वाला गुब्बारा, तो इसके अंदर राई के दाने बड़े, इसमें से ज्यादा तेज हो जाएगी झन 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 वाली ऐसी, ठीक है, ये बड़े वाले गुब्बारे आपके, बड़ा वाला गुब्बारा नीले कलर का, उसके अंदर राई के दाने भी बड़े, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे से आइडेंटिकल है इससे तो, लेकिन आप कंपेयर करो लाल वाले गुब्बारे से, तो लाल वाले गुब्बारे से अलग है ना भाई साहब, इसके एटम की साइज, इसके जितने भी राई के दाने वो बड़ी साइज के हैं, उनका मास भी क्या होगा थोड़ा ज्यादा होगा, इन वालों का थोड़ी साइज छोटी है, इनका मास भी कम है, इनकी प्राइस भी, प्राइस में भी डिफरेंट है। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो अलग अलग एलिमेंट के जितने भी एटम रहते हैं वो सब एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, लेकिन एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम है वो सब एक जैसे, वो सब एक जैसे, ये बोल रहा हमारा पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करें हम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन देख लो, मैं केमिकल के साथ यहां पर फिजिकल भी बोल दूं, केमिकल के साथ हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, कोई सी फिजिकल रिएक्शन भी बोल दो आप, तो किसी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी चीज क्या रहेगी, वो एटम रहेगी, वो एटम सबसे छोटी चीज। आप मेरे को एक चीज बताओ कि आपने एक घर बनाया जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, दीवारें बना रहे हो, तो दीवारें कैसे बनाओगे आप, ईंटों से बनाओगे, तो आपके घर की दीवारों बनाने के लिए स्मॉलेस्ट चीज क्या लिया आपने, ईंट ली, ईंट ली, बिना ईंट के बना लो, हाँ आजकल क्या है, आजकल वो ब्लॉक चलते हैं, पर चलो फिर भी ईंटों की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे छोटी चीज क्या रहेगी, ईंट ही तो रहेगी, ईंट से बनाओगे घर। तो इसी तरीके से अगर आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन बनाओ, कोई सा भी प्रोडक्ट बनाओ, आप एच को सील से जोड़ो, एससीएल बनाओ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाओ, एनएसएल बनाओ, सबसे छोटी चीज जो है जो पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन में वो क्या है, आपका एटम है, एटम के बिना केमिकल रिएक्शन करवा ही नहीं सकता। तो सबसे छोटी चीज क्या है, एटम है। ये सारे पॉइंट बताए डाल्टन साहब ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि फर्स्ट चैप्टर की, पर अपन चूंकि चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो अपने को स्टार्ट यहीं से करना चाहिए था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, जिसके मैंने आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए हैं, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गए होंगे, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जल्दी ही, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।